सो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। से फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं आपकी इस अपने YouTube चैनल मेक मनी गुरु पर। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुल रन के बारे में, अल्टकॉइन बिटकॉइन इंडेक्स प्लस टोटल मार्केट कैप का इंडेक्स देखेंगे, जिसके बेस पर हमको आइडिया मिल जाएगा कि जो कॉइन हम परचेस कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट न्यू साइकिल स्टार्ट कर रही है तो फिर हमको 10x या 7x के पहले सेल आउट नहीं करना है। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर मार्केट न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहा है तो इजीली हम 10x से 7x तक का प्रॉफिट गेन इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट दो वीडियो में आपकी ओर से जो सपोर्ट और जो आपका प्यार मिला बहुत ज़बरदस्त था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पर भी आप आपका प्यार बिल्कुल बरकरार रखेंगे और इस वीडियो में हम एम करते हैं 100 लाइक्स का। कितने फास्टली आप 100 लाइक्स को हिट करते हैं मुझे बस आपके करके बताइए। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, फॉरेक्स प्लस क्रिप्टो, फटाफट जाके ज्वाइन करो। क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जितने भी सिग्नल्स हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया। अगर आपने ट्रेडिंग पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बिटकॉइन के ऊपर हमने प्रेडिक्शन ऑलरेडी 21 जुलाई को दिया था, मार्केट ऑलमोस्ट अपने टारगेट को यहाँ पर हिट कर चुका है, देख सकते हो आप। अब नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आपको क्या लगता है बिटकॉइन या अल्टकॉइन इंडेक्स का या क्रिप्टो न्यू बुल साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है? कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, अभी कमेंट करो फिर आगे वीडियो देखो, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि भाई आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो। और कुछ क्विज मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर, बेसिकली आज का क्विज का क्वेश्चन मैं ये रखना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन का टोटल सप्लाई कितना है। और इसी बात है, काफ़ी लोग बिटकॉइन को पसंद करते हैं तो मैं जानना चाहता हूँ बिटकॉइन का टोटल सप्लाई कितना है। तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। अगर आपके ओर से कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हो। कोई पर्सनल कॉइन के रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहते तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हो। बिना टाइम गवाए डायरेक्टली फिलहाल मूव करते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हम जो यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं वो बेसिकली है टोटल मार्केट कैप का। हम देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से क्या आइडिया हो सकता है, मार्केट अपना न्यू साइकिलिंग कब तक स्टार्ट कर सकता है या फिलहाल मार्केट ने न्यू साइकिल स्टार्ट कर चुका है। देखिए सबसे पहला याद रखिए, हम यहाँ पर वीक के बेस पर एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वो लेवल्स मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं जो लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ कर रही है, हमारा लेवल है वीक के बेस पर, ठीक है। यानी मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकअप करता है देन आप डेफिनेटली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया मार्केट में आपका बेसिकली बुल रन आपको देखने को मिल सकता है। सेकंड, यहाँ पर मैं माइनर लेवल ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है माइनर लेवल को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना ड्रॉइंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आ सके भाई मार्केट में कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे, कौन से लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके बेस पर आप ट्रेड कर सकते हो। हमने वीक के बेस पर यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है, दो लेवल्स हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। इतना याद रखिए, जब तक मार्केट इस लेवल के इन बिटवीन है, ठीक है, तब तक आप बुलिश कंफर्मेशन नहीं लोगे। मतलब जब मार्केट इस लेवल को, पहला लेवल तो हमारा यहाँ पर है, ठीक है, अब इसको मैं कलर कर देता हूँ माइनर लेवल, इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट में पहला जो माइनर लेवल बेसिकली है वो ये वाला है, ठीक है। अगर जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, लेट्स से एग्जांपल मार्केट अगर इसके अबव जाके होल्ड करता है और वापस इसके अबव रिवर्सल पॉइंट देता है, तो मतलब आपका मार्केट यहाँ से रेडी हो चुका है नेक्स्ट लेवल के लिए। मेन जो लेवल हम समझते हैं वो ये वाला है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से अपसाइड में मूव किया था तो बहुत हायर मूवमेंट के साथ अप किया था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन किया। ये भी एक माइनर लेवल है क्योंकि मार्केट ने फिर से अपसाइड मूवमेंट लिया था, लेकिन 61 फिबोनाची या 50 फिब लेवल यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, उसके बाद मार्केट यहाँ से डाउन आया, ठीक है। तो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बाद आप आइडेंटिफाई ये ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो भाई मार्केट बुल साइकिल स्टार्ट होगा, तो वो ये वाला लेवल है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकअप नहीं करता है तो आप तब तक ये नहीं कहेंगे कि मार्केट में बुल साइकिल आ चुका है। जब आपका मार्केट इस लेवल को ब्रेकअप कर देगा और मार्केट रेडी रहेगा, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर लोगे यहाँ से मार्केट आपका अपसाइड मूवमेंट के लिए रेडी हो चुका है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, चांसेस बहुत ज़्यादा है इसका लेवल का ब्रेकआउट का। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस के केसेस जिस तरह बढ़ रहे हैं और जिस तरह फिलहाल बहुत से बिजनेसेस बिल्कुल कोलैप्स की कंडीशन में है, हर एक अपने अपने जो भी स्टेट बैंक्स होते हैं या आप ये कह सकते हैं जैसे इंडिया में RBI है, USA में फेड है, इस तरह के जो बैंक्स होते हैं वो स्टिल मनी प्रिंटिंग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आने वाली रिपोर्ट्स ये भी मिल रही है कि स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिल सकता है। गोल्ड ने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दिया है और गोल्ड और बिटकॉइन में मैं काफ़ी कोरिलेशन देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप उसको देख रहे हो तो जैसे जैसे गोल्ड बढ़ रहा है वैसे वैसे बिटकॉइन भी बढ़ रहा है।
तो अगर गोल्ड ने अपने पिछले ऑल टाइम हाई को टेस्ट किया है तो मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन ये कह रहे हैं कि शायद बिटकॉइन भी अपने पिछले ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा। अब बिटकॉइन टेस्ट करेंगे तो सिर्फ अदर टोकन्स अदर कॉइन्स जो भी है वो भी अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेंगे। इवन अगर आप वॉच कर रहे हो तो पिछले जितने भी कॉइन्स है छोटे मोटे जो भी कैप वाले कॉइन्स है वो ऑलमोस्ट अपने पिछले ऑल टाइम हाई के अबव जा चुके हैं। कुछ कुछ कॉइन ने तो एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है। तो वही हिसाब से तो काफ़ी मुझे चांसेस लग रहे हैं कि मार्केट वहाँ से काफ़ी अच्छे तरीके से अपसाइड मूवमेंट ले सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट कर सके। ठीक है, उसके ऊपर कोशिश करूँगा अलग से वीडियो बनाने की। अगर आप चाहते हो कि मैं गोल्ड पर एक और एक वीडियो बनाऊँ तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताओ कि आप गोल्ड के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं गोल्ड के ऊपर एक प्रेडिक्शन टाइप वीडियो बनाऊँगा, कहाँ तक गोल्ड हिट हो सकता है विद टेक्निकल फंडामेंटल नॉलेज के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल याद रखिए क्रिप्टो मार्केट के यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है ये फिलहाल ये चांसेस है। अगर ये माइनर लेवल ब्रेकआउट लेता है हमारे पास मतलब 300 बिलियन डॉलर का अगर अपसाइड में ब्रेकआउट लेता है देन डेफिनेटली मार्केट विल मूव अपसाइड। अगर ब्रेकआउट नहीं लेता तो यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो लेवल है यहाँ पर माइनर सा करेक्शन हमको देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी अगर लेवल को होल्ड करने के बाद माइनर करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट अगर जब तक ये दो लेवल ब्रेकअप नहीं करती है तब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मार्केट में आपका एक न्यू बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या एक न्यू बुल रन स्टार्ट हुआ है। अभी हमने जो एनालिसिस देखा बेसिकली वो टोटल मार्केट कैप का है। यहाँ पर नेक्स्ट जो एनालिसिस हम देख रहे हैं ये बेसिकली अल्टकॉइन मार्केट इंडेक्स का है। यहाँ पर डेली के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल इस लेवल के जाने के बाद यहाँ पर होल्ड कर रहा है अपने लेवल को। ठीक है, एरिया ऑफ जोन एरिया ऑफ सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट अपने इस लेवल को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सके, मतलब चांसेस है कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करे। जितना टाइम तक मार्केट इस लेवल को होल्ड करेंगे अपने लिए अच्छी बात है, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड में ब्रेकअप ले सकते हैं। दो कंडीशन फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक तो पहला मार्केट अपने लेवल्स को होल्ड करेगा, सेकंड ये है कि भाई मार्केट चांसेस है कि यहाँ पर कर्व एंड हैंडल सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलता है बेसिकली कर्व एंड हैंडल का देन आप ये आइडिया ले सकते हो कि मार्केट हमारे लिए बहुत बुलिश है। कर्व एंड हैंडल का जो हैंडल बनने का चांसेस है मेरे हिसाब से ये लो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं 81 बिलियन को तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब चांसेस एक ये है कि मार्केट कर्व हैंडल बनाए और फिर अपसाइड में मूव ले सके। और ऑब्वियसली बात है अगर कर्व हैंडल फॉर्मेशन हमको देखने को मिल सकता है देन हमारा जो लेवल्स है वो इजीली यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एक बार ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो आगे आपका मार्केट और हायर तरीके से मूवमेंट ले सकता है। तो गाइस याद रखो जब तक ये लेवल के अंदर मार्केट है तब तक आपको ये नहीं समझना है कि मार्केट मतलब आइडेंटिफिकेशन अगर आपको चाहते हो आपको ये पता चलना है कि भाई आपने जो अल्टकॉइन बॉटम में परचेस किया जो कि हमने मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम में प्रीफर किया था लाइक से आपका रिपल हो गया आपका कार्डानो हो गया आपका इथेरियम हो गया इस कॉइन को जो बॉटम में ऑलरेडी हमने परचेस किया तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या नहीं करना है। जब तक अल्टकॉइन इंडेक्स में और टोटल मार्केट कैप इंडेक्स में ये जो दो लेवल मैंने आइडेंटिफिकेशन दिया हूँ जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं करते हैं तब तक आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको वेट करना होगा। बिटकॉइन का हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है, अभी तक मार्केट में कोई न्यू मूवमेंट नहीं है। जैसे ही मार्केट में कोई न्यू मूवमेंट आता है देन डेफिनेटली आई विल मेक द वीडियो ऑन बिटकॉइन ऑल्सो। और फिलहाल जो कॉइन पे आप सजेशन देना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए ओपन है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तुरंत जाकर ज्वाइन कर लो और लाइक बटन को अगर हिट नहीं किया तो तुरंत हिट कर दो ताकि मैं इसी तरह के वीडियोस और भी ज़्यादा अपडेट दे सकूं। अगर आपके माइंड में कोई कॉइन है जो आप सजेस्ट कर रहे हो मुझे एनालिसिस करने के लिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करना चाहूंगा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।